तो अब बस क्या कि हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर एजुकेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम नाम है इसका पूरा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट को हमने ऊपर से ले लिया, क्लिक करके यहाँ से AL का इजाफा और कर दिया इसके अंदर, कंट्रोल T किया हमने यहाँ पे, और अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा कम कर दिया और ये इस तरह से कम हो गया। अल्टर के साथ इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इस तरह से लग रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल J दबा के इसका एक डुप्लीकेट लेंगे नीचे लेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखना है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से लिख जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आगे जो है हमने इसके ऊपर ये लिखना ट्रेनिंग प्रोग्राम, और यहाँ पे क्लिक करके एस कर देना है, क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल ए कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है, टेक्स्ट देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से हमें आपका फॉन्ट कुछ बेहतर ले लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला फॉन्ट हमने इस पर लगा लिया, और उसके बाद जो है ना यहाँ से क्लिक करके बढ़ा दिया, क्लिक करा कैरेक्टर्स के ऊपर चले गए, यहाँ से क्लिक करके हमने इसके स्पेसिंग को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उसको क्लिक करके यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया, और ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है लिखने के बाद हमने यहाँ से इसको यहाँ पर आ गया, और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा इसको कंट्रोल जीरो करके देखें, दूर से नज़र आ रहा है, आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये इशू कर रहा है, तो जब इस तरह के इश्यूज आते हैं कि थोड़ा बहुत वो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पा रही होती हैं, तो उसके लिए फिर हम एक काम ये करते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एक जो है एक नया लेयर ऐड कराते हैं, और उसके ऊपर एक शेप उसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके हमने एक शेप क्रिएट कर दिया इसके ऊपर, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमने इसके ऊपर एक ग्रे कलर का शेड लगा दिया, ठीक है, और क्लिक करके यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर रख के हमने इसको इस तरह से कर लिया, कंट्रोल टी कर दिया, और फिर इसको थोड़ा सा हमने ऊपर उठा लिया, उठाने के बाद हमने इसको उठा के नीचे रख दिया, और क्लिक करके यहाँ से इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से आगे कर दिया, ठीक है, और उसको क्लिक करके इसको अप्लाई कर दिया, करने के बाद यहाँ से हमने इसको क्लिक करा और इसकी जो फिल ऑपेसिटी थी 30% उसको इस तरह से कर दिया, तो इस तरह से करने से ये होगा कि इस शेप का जो क्रिएशन होगा वो उसके ऊपर पूरा लगेगा, स्ट्रोक हटा देंगे यहाँ से और इसको थोड़ा सा इस तरह दिखाई देगा, तो पहले से जो इम्प्रूवाइज वर्जन था देखो, पहले थोड़ा सा ये लाइट हो रहा था, अब इसके ऊपर थोड़ा शेड लगने पर ये थोड़ा सा डार्क हो गया, तो कंट्रोल जीरो करने पर आपको दूर से भी नज़र आने लग जाएगा, तो अगर इसका फिल इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके 50% का भी लगा सकते हैं, 50% पे कुछ हल्का सा इफेक्ट पीछे आ जाएगा और ये टेक्स्ट थोड़ा सा आपका हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे इसके ऊपर, क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये इस तरह से आपने फिर बनाना है सेंटर में, तो यहाँ पे बनाने के लिए इसको क्लिक करेंगे नीचे और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से फिर आप बनाएंगे अपना, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया राशिद अल हुसैनी, सेलेक्ट किया कंट्रोल ए किया, यहाँ से क्लिक किया, इसके ऊपर येलो के ऊपर जो कलर उठता है वो रेड या फिर डार्क कलर यहाँ से उठ रहा होता है, उसको क्लिक करके यहाँ से हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके सैंपल पे चले जाते हैं, यहाँ से क्लिक करके ओके कर देते हैं, कंट्रोल टी दबा देंगे, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट कर देंगे, ऑल्टर शिफ्ट दबाएंगे, और ये इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसको इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर रख के हमने इसको इस तरीके से रख दिया, अब यहाँ पे क्लिक करके हमने राशिद अल हुसैनी लिखने के बाद क्लिक कर दिया इसको, और यहाँ पर इसको इस तरह से लिख के लगा दिया, यहाँ पे एक एक टेक्स्ट जो है इस तरह से नजर आ रहा है, अब आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट के साथ मैंने व्हाइट कलर का स्ट्रोक और ड्रॉप शेडो भी दिया हुआ है, तो इस तरह का काम करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, तो क्लिक करेंगे लर्निंग ऑप्शंस पर, और यहाँ से जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, कैसे किया हुआ मैंने इसको ब्लड रेड कलर दिया हुआ है, तो कलर ओवरले में अगर मजीद इसको आपको डार्क कलर देना है तो यहाँ से क्लिक करके डार्क कलर दे दे, क्लिक करके इसके स्ट्रोक्स को और वाइट करना है तो क्लिक करके यहाँ से आउटर स्ट्रोक को वाइट कर दें, इसका जो थोड़ा थिकनेस है थोड़ा बढ़ा दें इसको, यहाँ पे क्लिक करके इसको वैल्यूज को इस तरह से बढ़ा दें, और रह गया ड्रॉप शेडो, तो यहाँ क्लिक करके ड्रॉप शेडो पर चेक लगाइए और क्लिक करके यहाँ से इसके ड्रॉप शेडो को भी एक्सटेंड कर दें, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है लेकिन अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ से आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे जूम करके, तो ये देखें सारा काम हमने इसके साथ कर दिया है जैसा इसके साथ हो रहा था, लेकिन अब शेड जैसे इसका नीचे की तरफ आ रहा है, इसका शेड सारा फैल रहा है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे करें, थोड़ा जूम करके देखें इसको, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें, यहाँ से यूज ग्लोबल लाइट से क्लिक हटाएं, अब शेड देखें आपका अपर उस डायरेक्शन में, तो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, ऊपर चला गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करने पर डायरेक्शन इसकी चेंज होगी और ये इस तरह से नीचे की तरफ आ गया, अब थोड़ा शेड ज़्यादा फैल रहा है तो डिस्टेंस को हम थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं, और इसका साइज़ जो है स्प्रेड थोड़ा सा इसका कम ज़्यादा करते हैं, ऑपेसिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं और यहाँ से इसको जो है कम कर लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ा बहुत कम हो गया, और ओके करने पर ये आपको इस तरह से नज़र आने वाला है, सही, तो इस तरीके से ये चीज़ आप इसके साथ कर सकते हैं ईजीली, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राशि, अब कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्लिक करके
टेक्स्ट लिया हमने, दोबारा से क्लिक किया कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब इसमें मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो दूसरी फ्रेंड यूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको और कंट्रोल डी दबा के यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करके एरियल का फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया एरियल, और यहाँ पे रखने के बाद एरियल का फॉन्ट ले लिया, और यहाँ से इसको ब्लैक करके, चलो ब्लैक बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्लिक करके कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस कंप्यूटर साइंस। लिखने के बाद यहाँ से क्लिक किया और उसको उठा के मैंने यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से सेट कर देना, ठीक है। अगर मैं सबके साथ सेंटर में चाह रहा हूँ उसको, तो इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूँगा और ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा सेंटर का, इसको सेंटर करूँगा तो देखें बिल्कुल सेंटर हो जाएगा टेक्स्ट के हिसाब से। कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद मैंने इसको कंट्रोल टी किया, इसको कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को इसके नीचे लेके कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड किया, क्लिक किया यहाँ से, क्लिक किया यहाँ से, कंट्रोल जे किया तो क्लिक किया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्लिक करके कंट्रोल टी किया, ऑल्टर शिफ्ट किया और उसको बढ़ा के इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया। करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके अप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसका फॉन्ट वगैरह कैसा रखना है, ब्लैक रखना है तो ब्लैक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं दोनों के ऊपर और क्लिक करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और इस तरीके से हमने ये चीज़ यहाँ पर लगा देनी है। क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, फिर यहाँ पर जाकर इसको डबल क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे देंगे, क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, तो ये ब्लैक कलर के साथ ऐसा नज़र आ रहा है, मच बेटर है। वेलो के ऊपर ब्लैक भी अच्छा उठ रहा है और वो रेड भी उठ ही रहा था, तो यहाँ से ब्लैक कलर इसको भी लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने बना हुआ आ गया, तो ये राशिद अल हुसैनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आ गया। साइट्स इसकी जो एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, यहाँ से एक ग्रुप ऐड कराते हैं और ग्रुप का नाम रख लेते हैं राशिद के नाम से, और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ तीनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके अंदर ऐड करा देते हैं। ऐड कराने के बाद अब आसान हो जाएगा हमारे लिए इस पूरे को मैनेज करना, अल्टर शिफ्ट के साथ इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और दोनों साइड्स को हम यहाँ पे इसे कवर करके यहाँ पे ऊपर की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे कंट्रोल एस के साथ और यहाँ पे ये ऐसे आपको नजर आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पर फिर हमें इस तरह से मोहम्मद अकाउंट शदाद को नीचे लिखना है या एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, पिक्चर लगानी है, तो ये चीज़ें करने के लिए हमारे पास अपनी पिक्चर होनी चाहिए। आप कंट्रोल ओ करके ओपन कर लेते हैं पिक्चर, हम देख लेते हैं कोई मेरे पास तो होगी नहीं इसके अंदर पिक्चर, तो मेरी तो कोई पिक्चर है नहीं इसके अंदर, ये एक पिक्चर लगा देते हैं, मेरी पिक्चर तो प्रोफेशनल पिक्चर करना है, चले ये वाली लगाने की कोशिश कर लेते हैं राशिद पासपोर्ट साइज का। ओके कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल टी कर लेते हैं, ऑल्टर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ से ले लेते हैं, इसके वाइट एरियाज पे अप्लाई करके उसको रिमूव कर देंगे, क्लिक किया यहाँ से डिलीट कर दिया हमने, यहाँ पे डिलीट कर दिया, क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल टी कर दिया, उसको ऑल्टर शिफ्ट करके बड़ा कर दिया, इसको यहाँ पे इस तरह से हमने पिक्चर को लगा दिया। अब पिक्चर थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं इस तरीके से, और चूंकि पिक्चर का थोड़ा साइड इस साइड पर है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डायरेक्शन में क्लिक करूँगा, यहाँ से एडिट में जाऊँगा, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरह से पिक्चर को मैंने चेंज कर दिया, एंड देन फिर इसको मैं किसी शेप वगैरह में डालना चाहता हूँ या इसको ऐसे ही दिखाना चाह रहा हूँ तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन ये फिर यहाँ से शोल्डर इसका गायब है क्योंकि ये पिक्चर इस तरह की है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको किसी शेप के अंदर डाल देते हैं। क्लिक किया यहाँ से मैंने एक शेप बनाया इसके ऊपर, शेप के साथ सर्कल के साथ एक शेप बनाया, क्लिक किया यहाँ पे उसके अंदर एक कलर भर दिया शेप के अंदर, और यहाँ से आउटलाइन को खत्म करके इसके अंदर एक कलर डाल दिया, इसके अंदर हमें यहाँ से क्लिक करके कोई भी क्लिक किया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और उसको इसके ऊपर इस तरह से रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और पिक्चर को उसके ऊपर रख दिया, राइट बटन दबाया, क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये पिक्चर के अंदर इस तरह से फिक्स हो गया, कुछ बेहतर हो गया काम, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड पीस का सुधर गया, और ये देखिए इस तरह से हमने लगा के इस तरह से मामले को सेट कर दिया। और इस पूरे को उठा के मैं अभी यहीं पर रखने वाला हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे हम अपना टाइटल टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें लिखेंगे, तो यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी इंट्रोडक्शन वगैरह डालना है, सर राशिद अली कंप्यूटर एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल ट्रेनर वगैरह ये लिखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके लिखते हैं इसको। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ कुछ इस तरह से लिखा जाए और टेक्स्ट को भी ये मैनेज कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो बल्कि अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि नाम तो हमने ले लिया, पिक्चर भी आ गई है हमारे पास, तो शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक करके थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शंस वगैरह हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ ले लेंगे,
जैसे नाम वगैरह से आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके हमने लिख दिया टेक्स्ट, तो कंट्रोल ए सर। फॉन्ट थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, फॉन्ट जरा मजा नहीं कर रहा इसका, अच्छा जो गेप है फॉन्ट के अंदर काफी ज्यादा आ रहा है, 200 का आ रहा है, तो उसको जीरो कर देते हैं, थोड़ा सा करीब हो गया, इसको कम करके हम ले लेते हैं 120 पे, क्लिक कर देते हैं इस तरह से, सर राशिद लिख के हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख के हमने लिख दिया क्लिक करके अली, ठीक है, तो डॉट हो गया। कंट्रोल ए करके लेफ्ट साइड पे अलाइन करेंगे तो फिर दोनों साइड पे नहीं जाएगा, और ये इस तरह से हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मजीद चीजें हमें ऐड करना है कि प्रोफेशनल कंप्यूटर मास्टर और इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, तो वो हम इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वैसे बेहतर तरीका ये रहता है कि आप उसके नीचे ही टाइप कर लें, क्योंकि अगर ऊपर लिखेंगे तो फिर ज्यादा मसला करेगा। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं सर राशिद अली कर लेते हैं इस तरीके से, और इसी का कंट्रोल जे लेके लिख लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे क्लिक करके तो एक्सपोर्ट, ठीक है, और क्लिक करके कंट्रोल जे कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं आईटी प्रोफेशनल, और यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल जे कर देते हैं, मास्टर ट्रेनर, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें लिख दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके साथ हमें थोड़ा सा नजर आएगा जी, अच्छा टी नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अब चारों के स्पेस, बीच के स्पेस मेंटेन करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें स्पेस का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, लेकिन ये सही तरह नहीं है, क्लिक किया यहाँ पे शिफ्ट के साथ चारों लेयर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने क्लिक किया, नहीं ये नहीं करना, ये करना, ठीक है, तो अब इनके बीच के स्पेस जो है सबके तकरीबन एक जैसे हो गया। तो ये इस तरह से हमने एक बना दिया इसका मामला कि भाई ये इस तरह से दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसके जो भी एक्सपर्टीज वगैरह है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। टेक्स्ट को हमने 120 पे रखा हुआ है, 130 पे करके देखते हैं, तो फिलहाल तो कोई इस पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरह का चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये सारा इंट्रोडक्शन और ये चीज़ इस तरह से डाल दी है। उसके बाद अब इसके पीछे जैसे मिसाल के तौर पे एक आउटलाइन भी लगानी है वाइट कलर की, जिससे थोड़ा सा जाहिर हो, तो उसके लिए तरीका ये है कि कंट्रोल जे करके इसी का एक डुप्लीकेट ले लें और उस पर डबल क्लिक करके यहाँ से वाइट कलर दे दें, वाइट कलर दे के कंट्रोल टी कर दें, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो ये देखें इसके साइड से ही कुछ इसकी वाइट कलर की बाउंड्रीज निकल आएंगी। कंट्रोल एस कर दें, सेव कर दें, अब वो ज़्यादा कंडेंस हो गया है जो टेक्स्ट था, तो उस पर क्लिक करें टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से, शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करें और उसको थोड़ा सा आगे कर दें। अब ये सारा एक साथ करना है, तो इन सबको एक साथ करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें, एक ग्रुप ऐड कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रेनर, तो ट्रेनर के नाम से एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर शिफ्ट के साथ ये सारी चीज़ें उठा के हमने उस ट्रेनर वाले ग्रुप के अंदर ऐड करा दी। तो ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा आपका। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके यहाँ पर जो है आउटलाइन दी हुई है और वो भी ग्रेडियंट्स में आउटलाइन दी हुई है, ड्रॉप शेडो भी दिया हुआ है अपने नाम को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। तो उसके लिए होता ये है कि देखिए आप अपने नाम को जब हाईलाइट करना चाह रहे हैं और उसमें थोड़ा सा यूनिक दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे स्ट्रोक पर। अब स्ट्रोक जैसे नॉर्मली आप इसके जो दे रहे होते हैं वो ब्लैक ब्लू ब्लैक किस तरह का स्ट्रोक दे रहे होते हैं, यहाँ से क्लिक करके वो स्ट्रोक आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रेडियंट स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ता है, यहाँ से आउटसाइड पर रख के कलर के बजाय ग्रेडियंट ले लेना है, ग्रेडियंट लेने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी ग्रेडियंट स्ट्रोक लगा के इसको ओके कर देंगे, ये लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप जैसे करेक्टर में स्पेसिंग देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वैसे आप डायरेक्टली इसके अंदर स्पेस के साथ भी स्पेसिंग दे सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और क्लिक करेंगे इसको अप्लाई करेंगे तो वो फिर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर फॉन्ट्स को कैपिटल में लिखना है तो यहाँ से भी हम कैपिटल कर सकते हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे डबल कैप्स कर देंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। और अगर स्पेस आपको ज़्यादा देना है इसके अंदर तो सर के बाद डॉट पे दे, क्योंकि फिर फॉन्ट थोड़ा हमारा मोटा है इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसका इस कैरेक्टर्स के अंदर जो है स्पेस थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे ओवरऑल नहीं बढ़ रहा 120% पे रखें तो आप यहाँ से लेटर स्पेसिंग को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो
और फिर क्लिक करके इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मामला यहाँ पे इस तरह से टेप आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा और काम करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। स्ट्रोक थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये थोड़ा और मोटा होकर नजर आएगा, और फिर ये टेक्स्ट के हिसाब से ऐसे नजर आ रहा होगा कि आपका ट्रेनर का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर हमने टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने फिर नीचे लिख दिया एड्रेस, जैसे कि मोहम्मद टाउन शहदादपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने मोहम्मद टाउन शहदादपुर ही लिख दिया इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया और उस पर क्लिक करके इसको सारा कैपिटल कर दिया। कंट्रोल टी दबा के हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ पे ला के इसको क्लिक किया, अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद इसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से अल्टर शिफ्ट के साथ इसे बड़ा कर दिया, क्लिक करके हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा कम कर ले इसको, क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से नजर आने वाला है और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जैसे अब ये व्हाट्सअप का और ये दो लोगोज वगैरह लगाए हैं, तो ये हमारे पास तस्वीरें होनी चाहिए। कंट्रोल ओ करेंगे, ओपन करेंगे, मेरे पास ये ना NIH का लोगो रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स पे गया, डॉक्यूमेंट्स में AI फाइल्स के अंदर यहाँ से क्लिक किया, NIH लोगो के अंदर आ गया, यहाँ पे एक लोगो रखा हुआ था हमारे पास। यहाँ से हमने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी करके यहाँ पे लाके कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये लगा जा कि हमने इसके कोने पे यहाँ पे सेट कर देना है, तो अगर दोनों साइड पे लगाना है तो ठीक है, वरना एक और स्टाइल में आपको बताता हूँ। इसको इस तरीके से बड़ा कर लें लोगों को, ठीक है, इस तरह से बड़ा करके लोगों को यहाँ पे रख लें सेंटर के अंदर, ठीक है। और सेंटर में रखने के बाद क्लिक करें, अप्लाई करें। अगर आप दोनों साइड पे लोगों नहीं लगाना चाह रहे तो ये टेक्निक है दूसरी, तो इसके ऊपर इस पिक्चर वाले के ऊपर रख के इसको यहाँ पर इसका जो फिल है इसको 30% कर दें, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये ऐसे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके आप ये काम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इससे लोगो भी हमारा अचीव हो जाएगा और मामला भी हमारे सेट रहेंगे। लोगों के ऊपर ड्रॉप शेडो वगैरह लगाने तो यहाँ से क्लिक करके उस पर ड्रॉप शेडो वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं, तो उस पर शेडोज भी आ जाएंगे, और शेडोज को कितना ऑपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा करनी है, कितना एक्सटेंड करना है, कितना कम करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ओके कर दें। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो ये भी ईजिली आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और जो भी इन्फॉर्मेशन थी 03844930 0309013 4936 इन्फॉर्मेशन पुटअप करने के बाद कंट्रोल टी दबाना है और अल्टर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर उठा के इन्फॉर्मेशन को हमने रख देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है, क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चले जाना है, फिर स्ट्रोक पर अप्लाई कर देना है, वाइट कलर का स्ट्रोक लगा दें इसके ऊपर, क्लिक कर दें यहाँ से, ये वाइट स्ट्रोक इस पर अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से क्लिक करके आउटसाइड पर ये इसको स्ट्रोक पे इस पर इस तरीके से खोल दें, ठीक है। तो ये ऐसे आपको नजर आने लग जाएगा। अब रह गया व्हाट्सएप का लोगो लगाना है, तो वो भी आपका पिक्चर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप के लोगो की पिक्चर है, यहाँ चला गया लेटेस्ट के फोल्डर में, तो ये व्हाट्सएप का मेरे पास एक लोगो रखा हुआ, क्लिक करेंगे यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे, और फिर इसको ले जाके हम यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और उठा के इसको हमने उठा के लेकर आना है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से व्हाट्सएप के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो इस पर सर लगा सकते हैं, और इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा छोटा कर ले ताकि हाईलाइट करने में आसानी रहे, क्लिक करेंगे इसको भी यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ले जाएं, और ले जाने के बाद एक इस पर स्ट्रोक लगा दें, ठीक है, स्ट्रोक लग जाएगा इसके ऊपर। दूसरा इसका जो है आउटर ग्लू लगा दें, थोड़े से लाइट इफेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ से साइज को एक्सटेंड कर दें, और आउटर ग्लू नहीं लग रहा तो ड्रॉप शेडो लगा दें, उससे भी काम काफ़ी हद तक बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हो गया, तो ये देखिए हमारा ये काम कम्प्लीट हमने इस तरीके से कर लिया, सही है। तो इस तरह आप ये इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। हालांकि अभी नीचे वाले जो हमारा मोहम्मद टाउन यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर भी एक शेप लगा के कुछ एक हाईलाइट बना देंगे, तो ये काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर।